चलो आखिर में चपाती भाई, आखिर में चपाती भाई, ठीक है बात मार लिया, हाँ मार लिया, चलो बढ़िया। चलिए सब लोग अपना अपना स्थान ले लीजिए। उज्जवल भाई आप इस साइड ऑन देयर सीट्स। आई होप सब लोग अपनी जगह पे कंफर्टेबली बैठ चुके हो। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर कोई कोर्ट में बात ना करे, सिर्फ आपके लॉयर्स बोलेंगे। अगर आप में से किसी को बात करनी है आप लोग कटघरे में आके बात कर सकते हो। तो हम बता दें कि आज हमारे इस कोर्ट के हियरिंग के लिए कोर्ट ने यहाँ पर बुलाया है अज्जू भाई, उज्जवल और फ्लीट को। ये तीनों को आज यहाँ पर कोर्ट में बुलाया गया है इस हियरिंग के लिए। सो मिस्टर अज्जू ने मिस्टर उज्जवल और फ्लीट पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके हीरो ब्राइन एसएमपी पे राज करने का प्लान्स है और उन्होंने एसएमपी पे कभी भी पीस होने बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये मिस्टर अज्जू के एलिगेशंस है अगेंस्ट मिस्टर उज्जवल एंड मिस्टर गेमर फ्लीट। तो आज कोर्ट की हियरिंग में हम सब शामिल हुए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मिस्टर अज्जू सही है या मिस्टर उज्जवल और फ्लीट सही है। तो इस बात की आज डिसाइड कर ये बात आज डिसाइड किया जाएगा और आई होप सबको पता है ऑलरेडी। पर फालतू फालतू पार्टीज के लॉयर्स है अज्जू भाई, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भाई, लॉयर है मिस्टर स्मार्टी भाई और उज्जवल और फ्लीट के लॉयर है मिस्टर चपाती। और प्लीज स्टार्ट। सो एज अ प्रोसिक्यूशन लॉयर मैं सबसे पहले अपनी एक दलील सामने रखना चाहूंगा कि 31 जुलाई 2021 कि यस हम लोगों ने इस एसएमपी में राज करने की कोशिश करी थी एंड ये सब कुछ हमारा प्लान था। आपके हिसाब से आपका कहना है कि 31 जुलाई 2021 को जो स्ट्रीम हुई थी वो स्ट्रीम पे मिस्टर उज्जवल और मिस्टर गेमर फ्लीट ने ही कन्फेस किया था कि उन्हें यहाँ पर राज करना है। यस तो इल्जाम लगा रहे हैं कि उज्जवल ने 31 को जो स्ट्रीम हुई थी पहले गो चपाती भाई गो। आप हमारे काबिल दोस्त से भूल रहे हैं कि उसी स्ट्रीम में अज्जू भाई भी थे जिन्होंने कन्फेस किया था कि ये तीनों का प्लान है। ओके तो अज्जू भाई आपको भी नहीं बोलना ना, तो अज्जू भाई भी उसी मामले में जुड़े हुए थे। तो मैं यही चाहूँगा कि और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बहकाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अज्जू भाई ने आए एसएमपी के ऊपर राज करने के प्लान बनाया और साथ में इन दोनों को भड़काया। अभी मोस्ट ऑफ डैमेज जो है मैं मानता हूँ कि एसएमपी के अंदर उज्जवल और फ्लीट ने किया, इन्होंने विदर वगैरह समन किए वगैरह वगैरह जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अज्जू भाई के भड़कावे में आके ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारे एसएमपी में अगर लड़ाइयाँ वगैरह चलती हैं तो सारा बेनिफिट जो है ये हमारा एसएमपी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सारा बेनिफिट जो है हमारे अज्जू भाई हो जाएगा। तो ओवरऑल राज करने का प्लान आई बिलीव अज्जू भाई की तरफ से आया है और उन्होंने पूरे एसएमपी के लोगों को मैनिपुलेट करके कुछ स्कीम बनाई है कि फाइनल जो राज का जो कुर्सी है वो उन्हीं के पास जाए। एंड्रू पेट की मौत के कारण थोड़ा बहुत बौखला गया, उसने विदर समन और कर दिया और इसी कारण अज्जुआ के कारण और डिस्ट्रक्शन हो गया। अब जितना डिस्ट्रक्शन होगा उतनी जो हमारे हेरोबन के वासी हैं उतने बटेंगे और जितने लोग बटेंगे राज करने में उतनी आसानी होगी अज्जू भाई। आप नहीं बोल सकते हो, आपके पास लॉयर है, आपके लॉयर बात करेंगे। आप लीडरशिप बनने का जो वर्ड है आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत से अज्जू भाई ही एसएमपी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अदालत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उज्जवल को इजाजत दी जाए कुछ बोलने की। उज्जवल प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। ठीक है उज्जवल, आप आपके सामने एनचेंटमेंट बुक पर हाथ रखिए और आप शपथ लेंगे दूसरी हाथ ऊपर करके। कौन घुसर घुसर कर रहा है एकदम? मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। नहीं आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो घुसर घुसर। सॉरी मैं उज्जवल हीरो ब्रांड एसएमपी कोर्ट में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। इंजेक्शन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 3 विदर स्पॉन करे थे
और वो इसलिए करे थे क्योंकि मेरा टावर बे मतलब में तोड़ा गया था। बिल्कुल सही भाई, अज्जू भाई ने बिना मतलब ये क्लेम करो तुमने तीन विदर स्पॉन किए थे। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तीन विदर स्पॉन, बाकी के विदर स्पॉन किसने किए थे फिर? बाकी के कुछ विदर एंड्रू को मैंने देखा था उसने स्पॉन करे थे और उसने भी ये बात मानी है उसने अपने, पर उससे के अलावा भी कुछ विदर स्पॉन हुए थे। और अगर बात आती है एंड्रू के पास वो स्कल कहाँ से आया, तो फिर वो स्कल वहीं से आया जिसने वो बाकी विदर स्पॉन करे, क्योंकि एंड्रू ने भी सिर्फ दो से तीन करे थे पर विदर वहाँ पर ज्यादा थे उस दिन। फ्लीट विटनेस बॉक्स लगा दीजिए जल्दी जी। मैं गेमर फ्लीट जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सर इनने काफ़ी चीज़ें बोली जैसे कि मेरे को स्टार्टिंग में गेम नहीं आता था ये सब, लेकिन अगर आपको भी पता होगा कि पूरे इस सिटी में सबसे पहला जो आर्मर था नेदरराइट का वो आया था एंड्रू बी के पास, और उसके बाद सीधा सेकंड आर्मर, जबकि एंड्रू बी स्टार्टिंग में आ चुका था इस शहर में, उसके बाद अगला जो वो था नेदरराइट का आर्मर था वो लेके आए अज्जू भाई। तो आप समझ रहे मतलब सबसे सेकंड आर्मर जब ला सकते, अगर इतनी जल्दी अज्जू भाई इतना सीख सकते हैं तो फिर विदर स्पॉन करना ये सब चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो नेदर में जाके नेदरराइट लेके आ सकते हैं तो वो विदर के स्कल्स भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि लाना ये सब चीज़ें। और दूसरी बात, अज्जू भाई ने ये भी बोला कि हमको मैनिपुलेट किया गया ये सब किया गया, तो पहली बात तो ये कि अज्जू भाई को मैनिपुलेट ऐसे तो कोई कर नहीं सकता ना आपको ऐसी मजाक में। अज्जू भाई ने ये बोला कि मेरे को सब लोग ये बोल रहे थे मैनिपुलेट करने के लिए कि तू तो पीवीपी में लीव कर देता है, तू हमारे साथ आएगा तो हम लोग तेरे को देंगे मौका। पर अगर आपको याद होगा आप भी शायद से उसी समय आए थे सिटी में, तो उससे पहले तो पीवीपी होता ही नहीं था और अज्जू भाई ने कभी लीव भी नहीं करा था लड़ते हुए, तो उससे पहले हम कैसे बोल सकते हैं कि आप पीवीपी में लीव कर देते हो लड़ते हुए। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो भी हुआ है, जो भी तकलीफ अभी तक हुई है, वो सब तकलीफ हुई है वो टावर को तोड़ने को लेके, और वो टावर तोड़ा गया था ये बोलकर कि अज्जू भाई मस्ती ले रहे हैं यार भाई, अज्जू भाई और उछो। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मिसेस मार्टी क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि उन दोनों की एग्रीमेंट हुई थी? क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हमारे पास तो ये केस मुझे दिख रहा है किस तरफ जा रहा है, ये केस क्लियर हो जाएगा। या डेफिनेटली अगर सबूत नहीं होगा तो फिर तो लाइक हम गए, बट हमारे पास सबूत है। मैंने आपको एक वो दिया था ना सीडी जो आपने रखी थी, कहां रखी है आई हैव नो आईडिया। वो डिस्क आपकी सबूत है? या उस डिस्क के अंदर कुछ ऐसा है जो कि लाइक प्रूफ कर देगा कि वो सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो उधर वालों की थी, इधर ये बेचारे यहाँ पे यू नो इनोसेंट है हमारे बंदे, और हम चाहते हैं कि आप उसको देखें और थोड़ा दूर जाकर देखें। मिस्टर स्मार्टी इज आर यू श्योर इज दिस योर एविडेंस? Yeah, this is my evidence. Eventually. सुनते End of Hero Brand SMP भाई क्या सीट लेकर आया? जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये evidence है? ये अज्जू भाई की evidence है? जाने मेरी ये बोला था उज्जवल ने? बचपन का प्यार। उज्जवल ने अज्जू भाई को जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार ये बोला था? कोर्ट में ये लोग ये बात सुनाने आए थे। आओ बात करते हैं। मुझे तुम सभी को एक सवाल पूछना है। ये जो आपने सीडी दी है इसका नाम है एंड ऑफ हीरो ब्राइन एसएमपी। हाँ जी। आर यू एब्सोल्युटली श्योर ये ही आपका सबूत है? Yes. I am 100% sure कि यही हमारा सबूत है। मिस्टर स्मार्टी आप आपके क्लाइंट मिस्टर अज्जू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। गाइस जिसने भी लाइक किया लाइक मारो, जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ दोस्तों जल्दी। मिस्टर स्मार्टी ये आपके क्लाइंट के बचने का आप एक जगह रुक जाइए पहले। स्मार्टी आप एक जगह रुक जाइए। मैं खुशी का मारे सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बहुत खुश था। ये आपके पास आपका आखिरी मौका है आपके क्लाइंट को इस केस से बचाने का, क्योंकि अगर आपके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा तो आपके क्लाइंट को आज सजा हो सकती है इसी कोर्ट में इसी समय। फाइनल ये अरे अरे एक बारी में कुछ नहीं आप नहीं बोल सकते हो, आप शांत रहिए। सो एवरीबॉडी प्लीज रिटर्न बैक टू देयर सीट्स। कोर्ट अभी तुम लोग गए बैठे तुम लोग सजा सुनाने वाला है। चुप करो यार। द कोर्ट ऑफ हीरो ब्राइन यहां पर सजा सुनाने वाली है एंड दिस कोर्ट फाइंड्स मिस्टर अज्जू गिल्टी What? Crimes against What? The peace of What? Hero Brian SMP. Let's go! Order, 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 order
आपकी जो जजमेंट है एक चीज बोलनी थी 10 सेकंड की। हमारा सबूत देखा भी है कि ऐसे ही बोल रहे हो आप जज के ऊपर शक कर रहे हो। अरे तो आप मिस्टर चपाती आप मिस्टर स्मार्ट बोल सकते हो। ऑर्डर इन द कोर्ट। अभी कोर्ट में जो भी बात करेगा उसे अज्जू भाई के साथ साथ सजा दी जाएगी। सॉरी 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 मिस्टर अज्जू प्लीज विटनेस बॉक्स में आ जाइए आपको अभी सजा सुनाई जाएगी। सर जी मैं एक ही चीज बोल एक ही चीज मिस्टर चपाती आप अगर बोलेंगे वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में लिया जाएगा। यार चपाती भाई जीतता हुआ केस क्यों हरवा रहे हो यार। अरे मेरे को एक चीज बोलनी है ऐसे कुछ नहीं होगा कर दी ठीक है। मिस्टर स्मार्टी आपसे हमने कोर्ट ने आपसे मल्टीपल टाइम पूछा था कि यही आपका सबूत है और आपने कहा था यस और ये सबूत को देखते हुए हमें श्योर हो चुका है कि आपके पास सबूत है नहीं इस चीज को प्रूफ करने के लिए और इसीलिए कोर्ट ने अभी अज्जू भाई को गिल्टी माना है। अज्जू भाई दोषी है इस कोर्ट के लिए और अज्जू भाई को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी क्योंकि उन्होंने हीरो ब्रायन के पीस का लेग पीस कर दिया था उसके लिए बहुत ही कड़ी सजा सुनाई जाएगी और उनकी सज़ा है 2555 माइनक्राफ्ट डेज जो कि होता है 7 साल। 7 साल उन्हें हीरो ब्रायन एसएमपी से दूर रहना है। ऐसे खतरनाक मुजरिम को सर जी मैं चाहता हूं कि सबल सजा डबल कर दी जाए। नहीं एक सेकंड अरे सर जी हमें वो तो दिखा दो एक बार प्रूफ। रुको रुको हो गया चलो चलो अरे प्रूफ तो दिखा दीजिए। अबे केस गया अभी क्या करना फिल्टर को प्रूफ देख के क्या करना चल। अरे प्रूफ तो दिखा दो भाई हमें भी छोड़ सकते हो। तू जीत गया है भाई निकल।